आज इन तमाम गरीब और मुस्तहिक घरानों की इंतजार की घड़ियां ख़त्म हुई। हुकूमत की जानिब से एक नए इमदादी प्रोग्राम का आगाज़। जी हाँ, हुकूमत की जानिब से तमाम गरीब और मुस्तहिक घराने जिन घरानों को हुकूमत की जानिब से किसी भी इमदादी प्रोग्राम के जरिए एक रुपए भी इमदाद नहीं मिली थी, लेकिन अब उन ख़ानदानों को हुकूमत की जानिब से 50,000 रुपये की इमदाद तकसीम करने का एक बहुत ही बड़ा अहम फ़ैसला हो चुका है। अगर आप गरीब हैं, मुस्तहिक हैं और आप हुकूमत की जानिब से 50,000 रुपये की इमदाद हासिल करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आपने हरगिज़ स्किप नहीं करना, क्योंकि हुकूमत की जानिब से NSER का जो प्रोग्राम था उसका आगाज़ हो चुका है। उसके लिए आपको काम क्या करना पड़ेगा, जस्ट आपके पास खुद का नेशनल ID कार्ड मौजूद होना चाहिए और दूसरे नंबर पर आपके पास NSER की जानिब से आपको 2020 में एक पर्ची दी गई थी, वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है उसके बारे में जानने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए आज के नीचे आपसे हमने रेड कलर का आपको बटन नजर आएगा, आप लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बगैर टाइम इसके वीडियो जानिब बढ़ लेते हैं। तो हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जिन खानदानों के पास NSER की पर्ची मौजूद है और वो NSER के जरिए 50,000 रुपये की इमदाद लेना चाहते हैं तो उन्होंने काम क्या करना है। उन्होंने सबसे पहले तो एक पोर्टल को ओपन कर लेना है। पोर्टल का जो यूआरएल है लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आपकी आसानी के लिए। वहां पर आपने क्या करना है, आपके सामने एक फॉर्म नंबर शो होगा। फॉर्म नंबर आपने फॉर्म नंबर पर क्या करना है, फॉर्म नंबर के ऊपर आपने क्या करना है, NSER के ऊपर एक पर्ची के ऊपर एक बार कोड दिया हुआ, बार कोड के ऊपर एक नंबर लिखो और नंबर आपने क्या करना है ऐड कर देना। जैसे आप ऐड करते जाएंगे फौरी तौर पर आपका नाम उस प्रोग्राम में आपका चेक हो जाएगा। ऐड करने के बाद जमा करने पे क्लिक कर फौरी आपका नाम आपके सामने चेक होकर आपके सामने आ जाएगा और आपके जो पैसे होंगे वो चेक हो जाएंगे और आप किसी भी करीबी सेंटर से जाकर अपनी इमदाद को वसूल कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर तमाम गरीब घरानों के लिए बड़ी खुशखबरी ये भी आ चुकी है कि हुकूमत की जानिब से मजदूर का असास या असास मजदूर प्रोग्राम का आगाज कर दिया है, जिस प्रोग्राम के जरिए तमाम गरीब घरानों को 15,000 रुपए की इमदाद दी जा रही है। उन घरानों को जो घराने बहुत ज्यादा गरीब हैं, मजदूर तबके से ताल्लुक रखते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने ज्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन खानदानों को हुकूमत की जानिब से इमदाद दी जा रही है। ये आप इमदाद लेने के लिए आपने काम क्या करना है, आपने जस्ट अपना शनाख्त कार्ड नंबर 8123 पर आपने क्या करना है, शनाख्त कार्ड नंबर सेंड करना है। सेंड करते सार आपको हुकूमत की जानिब से आपका अप्लाई हो गया, इंदराज हो जाएगा और 2 दिन के बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा। तो उम्मीद है मुख्तसर सी अपडेट थी, मुख्तसर सी वीडियो थी, आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स को मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।